व्हाट इज अ फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो। सो फ्रेंड, आज का जो ट्यूटोरियल वीडियो है, एक पार्ट टू ट्यूटोरियल वीडियो है और पार्ट वन ट्यूटोरियल वीडियो पर मैं कुछ इस तरीके का वीडियो क्रिएट करना सिखाया था और वो पार्ट वन ट्यूटोरियल वीडियो पर मैं काफी सारा इफेक्ट यूज किया था, जैसे कि वहां पर मैंने टोनल शिफ्ट इफेक्ट को भी यूज किया था। तो मैंने उस ट्यूटोरियल वीडियो का एंडिंग पोजीशन पर बोला था कि मैं टोनल शिफ्ट इफेक्ट का डाउनलोडिंग प्रोसेस मैं पार्ट टू ट्यूटोरियल वीडियो पर दूंगा, क्योंकि मैं अगर वो वीडियो पर टोनल शिफ्ट इफेक्ट का डाउनलोडिंग प्रोसेस दिखाने लग जाता तो वो ट्यूटोरियल वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता, यानी लंबा हो जाता। इसलिए मैंने बोला कि पार्ट टू ट्यूटोरियल वीडियो पर मैं इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस दिखाऊंगा, यानी टोनल शिफ्ट इफेक्ट का डाउनलोडिंग प्रोसेस दिखाऊंगा और जो भी काम बाकी है मैं पार्ट टू ट्यूटोरियल वीडियो पर करूंगा। तो इसके लिए मैं आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए पार्ट टू ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अदर ट्यूटोरियल वीडियो। सो फ्रेंड, ये है योला वीडियो का पार्ट टू ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड, आप सभी को तो पता होगा योला वीडियो का पार्ट वन ट्यूटोरियल वीडियो पर हम लोगों ने कुछ इस तरीके का वीडियो क्रिएट करना सिखाया था और उस वीडियो के एंडिंग पर मैं बोला था कि इस ट्यूटोरियल वीडियो का मैं पार्ट टू लाऊंगा और पार्ट टू ट्यूटोरियल वीडियो पर मैं इसको और भी प्रोफेशनल बनाऊंगा और भी अच्छा बनाऊंगा। तो चलो फिर फटाफट इसको मैं यहां से एडिट करना स्टार्ट करता हूं। और गाइस, आई होप कि आप लोगों ने पार्ट वन ट्यूटोरियल वीडियो को देख करके यहां तक क्रिएट करके रखा है वीडियो को। तो अगर आपने पार्ट वन को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख करके पहले आप क्रिएट कर लीजिए वीडियो को कुछ यहाँ तक, तो उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए वीडियो को। ओके, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग पार्ट वन को देख करके कुछ यहाँ तक वीडियो को क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद पार्ट टू ट्यूटोरियल वीडियो को देख लीजिए, जो कि अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ये पार्ट टू है, तो इसको देख करके यहाँ से एडिट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप पार्ट वन को नहीं देखोगे तो पार्ट टू पर आप कुछ भी नहीं समझोगे। ओके ओके, अभी आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो कैरेक्टर का पीएनजी, इसका ऊपर क्लिक करना होगा और आपको जाना होगा एडजस्टमेंट सेटिंग पर। एडजस्टमेंट सेटिंग पर जाने के बाद अभी आपको स्क्रॉल अप करके जाना होगा यहाँ पर एचयूवी पे, और एचयूवी पर जाकर इसका जो कलर है इसको आपको चेंज कर लेना है। किसी भी कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पीएनजी होगा उसका साथ भी सेम थिंग करना होगा, उसका ऊपर क्लिक करके एडजस्टमेंट सेटिंग पर जाकर के एचयूवी से इसका भी कलर को चेंज कर लेना है। उसके बाद जितना भी पीएनजी है, सारा पीएनजी का आप चाहो तो कलर को चेंज कर सकते हो। ओके, तो बस फिलहाल के लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, एंड देन यहाँ पर कुछ बड़ा काम करने का जरूरत नहीं है। बस आपको पीएनजी में इसका ऊपर क्लिक करके एडजस्टमेंट सेटिंग पर जाकर के एचयूवी से इसका कलर को चेंज कर लीजिए, जो कि बहुत ज्यादा ईजी होता है। आई होप कि आप सभी को पता होगा ये पहले से। ओके, कलर को चेंज करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो क्लिप है इसका ऊपर क्लिक करना होगा और आपको डिलीट टू आइकन से डिलीट करना है, एंड देन इसको भी डिलीट करना होगा, एंड देन ये वाला जो क्लिप है इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट पूरा हो जाने के बाद गाइस, यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो गाइस, एक्सपोर्ट पूरा हो जाने के बाद वन स्टेप बैक आना होगा और आपको यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर दो बार क्लिक करना होगा, जब तक दो जो वीडियो क्लिप को आपने डिलीट किया था वो बैक नहीं आता है। उसके बाद गाइस, अभी आपको यहाँ पर ये जो लेयर है, इन सभी लेयर को आपको डिलीट कर देना होगा। ओके, तो मैं फटाफट इन सभी लेयर को डिलीट कर देता हूँ। लेयर को डिलीट करने के बाद यहाँ पर ये जो कैप्चर में जो इसको भी डिलीट करना होगा। उसके बाद ना गाइस, मैं फटाफट पहले डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद ना गाइस, जो वीडियो क्लिप को अभी आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना होगा। ओके, एक्सपोर्ट वाला फोल्डर पर ये मिल जाएगा। ओके, आपका यहाँ पर वीडियो क्लिप को इंपोर्ट करने के बाद ना गाइस, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जो कि काफी अमेजिंग लुक देगा। तो गाइस, इसको और भी अमेजिंग करने के लिए गाइस, आपको यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड करना होगा। इसके लिए प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको किसी भी ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। लेकिन गाइस, फिलहाल के लिए मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर एक्सेलरेशन इफेक्ट को, तो आप भी एक्सेलरेशन इफेक्ट को यूज कर सकते हो एक्सेलरेशन वाला ट्रांजिशन इफेक्ट को। तो मैं फटाफट प्लस सेकंड पर क्लिक करके जो एजोल्यूशन इफेक्ट है उसको सिलेक्ट करता हूं, एंड देन 03 टाइमिंग 1 में रखता हूं। तो आपको भी टाइमिंग 1 रखना है, नहीं तो आपका जो क्लिप होगा वो थोड़ा सा बेकार टाइप लगेगा। उसके बाद यहां पर भी वही सेम थिंग, ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना होगा और टाइमिंग को 1 रख देना है। उसके बाद ना गाइस, आपका जो क्लिप है यहां पर ये कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ओके गाइस, अभी आपका जो क्लिप है यहां पर ये कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। लेकिन गाइस, अभी आप सभी को मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को ये टोनल शिफ्ट इफेक्ट को डाउनलोड करना है, जो कि मैं पार्ट 1 पर बोला था कि मैं पार्ट 2 पर टोनल शिफ्ट इफेक्ट का डाउनलोडिंग प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलो फिर मैं अभी इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस दिखाता हूँ आप सभी को।